मुझे लगता है कि सास बहू की लड़ाई में बाहर वालों को बातचीत नहीं करना चाहिए, और जब कभी भी सास बहू की लड़ाई में दूसरे लोग जाकर के बीच में बात करते हैं तब कुल मिला करके उसमें जो है वो काली की पुत्ती है, इसलिए उनकी लड़ाई उन्हीं को लड़ना है। आपकी पार्टी में नेतृत्व तो बदला है अभी हाल के दिनों में, आपको लगता है कि सही वक्त है नेतृत्व के बदलने का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन जो है वो एक सहज सामान्य स्वीकार्य परंपरा है। माने सतीश जी के नेतृत्व में हमने 3 साल तक राजस्थान की वर्तमान अराजक सरकार को सड़क से लेकर के सदन तक सब जगह घेरा था, इतने व्यापक आंदोलन किए थे, हर विधानसभा क्षेत्र में सफलतम जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया था, और इसके चलते राजस्थान में वर्तमान सरकार के प्रति जिस तरह का आक्रोश, उस आक्रोश को एकत्रित करने का काम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में सहज प्रक्रिया है, 3 साल के कालखंड के बाद में नया नेतृत्व आता है, अभी नया नेतृत्व आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व के रूप में हम सबको मिला है, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम 2023 और 24 दोनों में एक नया कीर्ति। क्योंकि मुझे लगता है कि यह ऐसा जो है आभासी क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी न तो कोई चर्चा है, न कोई चिंता है, न कोई विचार है, न कोई चिंतन है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कोई भी समर्थ व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति, जनाधार वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलने को स्वीकार करें तो हम दोनों हाथ बाएं पसार करके उसका स्वागत करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। आप दिल्ली